वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन ऑटो भोपाल पर। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ब्रेजा 2023 मॉडल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास ब्रेजा आई हुई है और इसके अंदर हम करने वाले हैं एंड्रॉइड का इंस्टॉलेशन और इसका जो किट रहता है इंटीरियर किट, वो भी हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरी बेसिक मॉडल है। इसके अंदर कोई भी ऐसा स्टीरियो वगैरह ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं लगी हैं। और हम इसके अंदर कौन सा एंड्रॉइड इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। होप सो के आपको वीडियो अच्छी लगे। सो दिखाते हैं हम आपको कि इसके अंदर क्या क्या लगाने वाले हैं और क्या नहीं। सो गाइज, हमारी ब्रेजा में हम ये सब इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा OEM वाला आर्मरेस्ट रहेगा, जो कि आप देख सकते हो पूरा कंसोल प्लस कंसोल के साथ रहेगा। और उसके बाद हमारी जो किट रहती है जेन्युइन टॉप मॉडल वाली, ये हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये भी हमारा 6 पीस वाला रहने वाला है किट हमारा पूरा। उसके बाद हमारी जो मेन चीज है वो हम आपको दिखा दें। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का। और इसका भी हम पूरा इंस्टॉलेशन दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। सो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी कार जो है पूरी बेसिक मॉडल में है और इसका जो स्टेयरिंग है वो भी हमारा कंपनी वाला बेसिक मॉडल का है। अब हम इसको जो है टॉप मॉडल का स्टेयरिंग इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये हमारा एंड्रॉइड रहेगा, जो कि ब्लॉकबस्टर सीरीज BBT 564 मॉडल। और ये कुछ इसके स्पेसिफिक्स है, और ये एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों के लिए होने वाला है। और इसका वर्जन 10 मिलेगा हमें, और ये ओनली ब्रीजा के लिए ही आता है, सुजुकी ब्रीजा के लिए ही आता है। इसके अंदर AHD कैमरा सपोर्ट है, फुल HD सपोर्ट, इसकी स्क्रीन है, 1 ईयर की वारंटी है। और कुछ इस टाइप का इसके अंदर रैम वगैरह रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो OLED डिस्प्ले के साथ हमें एंड्रॉइड मिल जाएगा। और आपको भी अपनी किसी भी कार में एंड्रॉइड लगवाना है तो आप आ सकते हो हमारी शॉप पर सनशाइन कार डेकोर पर, जो के MP नगर Zone 1 नियर बाय DB मॉल। बाई चांस आप भोपाल से बाहर रहते हो तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इस पर सिर्फ कॉन्टेक्ट करें या फिर व्हाट्सएप करें, हम आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और अब हम हमारे एंड्रॉइड को अनबॉक्स करके दिखाने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं और वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमने इस वीडियो में कुछ सिनेमैटिक शॉट ऐड करें, सो होप्स हो कि आपको अच्छे लगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारा एंड्रॉइड रहेगा, जिसके आप देख सकते हो ये पूरा ब्रेजा का जो फ्रेम है उसके अंदर जाकर फिट हो जाएगा। और ये पीछे का आप पैनल देख सकते हो, ये हमारा ब्लॉकबस्टर सीरीज का 564 एंड्रॉइड है। और उसके ऊपर उसके साथ हमें मिल जाता है 1 ईयर वारंटी कार्ड। और उसके बाद हमारा जो केबल्स वगैरह रहती है, जो कैमरे का सॉकेट वॉकेट सब चीजें इसके अंदर मिल जाती है हमें, कैमरा वगैरह। अब हम बात कर ले हमारे स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स हम ब्रेजा के अंदर हमारे पॉइनियर के 350 वॉट इंस्टॉल करने वाले, जो कि आगे भी हम 350 वॉट ही इंस्टॉल करेंगे और पीछे भी हम 350 वॉट ही इंस्टॉल करने वाले हैं। 2-way स्पीकर्स रहेंगे और 350 वॉट का मैक्स पावर रहेगा इनका। ये दोनों हम इसके अंदर यही लगाने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ हमारी एसेसरीज का पूरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी कार खुल चुकी है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। जी, और हम इसके अंदर जो हमारे वाटरप्रूफ केस रहते हैं वो भी हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि हमारे रिंग रहते हैं वो भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऐसे जाकर लग जाते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो ब्रेजा का जो सॉकेट है ये वाला हम लोग इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। इसकी हम लोग कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं करने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल विदाउट वायरिंग कटिंग वाला जो सॉकेट रहता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका फिटमेंट हो जाता है। बाकी जैसे शोरूम वाले डराते हैं कि हेलो हेलो भैया मैं शोरूम से बात कर रहा था। हाँ जी भैया। भैया आपने ब्रेजा कार की डिलीवरी ली थी? हाँ भैया। तो भैया मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप कभी आफ्टर मार्केट काम करवाते हैं तो आपकी जो वायरिंग की एक्सटेंडेड वारंटी है वो लैप्स कर दी जाएगी, वो भी शोरूम से। अच्छा, तो आप आफ्टर मार्केट काम मत करवाना। यही सारी बातें बोल के आप लोगों को डरा दिया जाता है ताकि आपका जो बजट है वो 10,000 से 20,000 हो जाए। वायरिंग कटिंग तो हम किसी भी चीज में नहीं करते हैं, सब कुछ सॉकेट टू सॉकेट होता है हमारे यहाँ। तो बस यही बताना था आप लोगों को। चलिए वापस चलते हैं हमारी वीडियो में और स्टार्ट करते हैं इसके सिनेमैटिक। ओके सो यहाँ जो हमारी फाइनली किट जो है वो हमारी लग चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 6 पीस वाली हमारी इंटीरियर किट थी जो कि ब्रेजा कार की थी। और यहाँ हमारा जो बड़ा वाला जो पार्ट रहता है डैशबोर्ड का वो भी हमने लगा दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की इसकी फिनिशिंग रहती है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा पैनल था ऊपर का डैशबोर्ड का उसके नीचे जो हमारी एक क्रीप रहती है वो भी हमने टॉप मॉडल वाली लगाई है। जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये 6 पीस में आती है। ये हमारा एंड्रॉइड है उसकी भी फिटमेंट हमने पूरी कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का हमारा एंड्रॉइड है। ये सिर्फ ब्रेजा के लिए था, ये जो एंड्रॉइड था ये इसका फ्रेम जो आया था ये ओनली ब्रेजा के लिए था। ये ब्रेजा के अलावा किसी भी कार में नहीं लाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा कंपनी से ही ब्लॉकबस्टर वालों ने दे रखा था। और इसके अंदर हमने जो स्टेयरिंग माउंट लगाया है, जो स्टेयरिंग चेंज करा हमने इसके अंदर, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी कुछ इस टाइप की टच सेंसिटिविटी है। तो अब हम बात कर ले हमारे टॉप मॉडल वाले स्टेयरिंग की। तो ये हमारा स्टेयरिंग व्हील पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये है हमारा टॉप वेरियंट वाला जो इसकी जो की लर्निंग हम लोग करने वाले है। तो देखिये सबसे पहले हम लोग जाएंगे मेन्यू में और यहाँ पे आपका आएगा स्टेयरिंग लर्निंग आएगा। तो यहाँ पे हमें की सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें ये किया जाता है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे हम की सिलेक्ट करेंगे कि वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, नेक्स्ट, ट्रेवेस मोड, म्यूट और ये आंसर, इजेक्ट और ये आपका वॉइस का हम लोग इस पे दे देंगे ब्लूटूथ पे। ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे हम लोग आप करेंगे एंड और यहाँ से हम लोग बाहर आ जाएंगे और आप ये देख सकते हैं और ये आपका ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये वर्किंग करने लगा, ठीक है। और ये आप ये जैसे मोड चेंज करते हैं तो ये आपका ये आ गया मेन्यू, वीडियो, ये आपका रेडियो और ये आपका ऑक्स इन और ये आ गया आपका ब्लूटूथ और ये। पर जैसे हम कभी बैक गियर भी डालते हैं तो ये जैसे हमने बैक गियर डाला ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है 170 वाइड एंगल है और आप देख सकते हैं कितना शानदार कवर किया हुआ है। और ये जो येलो लाइन है ये वाली जो येलो लाइन है ये वाली हमारी मूविंग है, ये मूविंग गाइडलाइन है ये वाली, ये हमारी येलो लाइन और ये हमारा 170 वाइड एंगल है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आता है इसका और काफी बढ़िया तरीके से ये येलो लाइन है, ये वाली मूविंग गाइडलाइन होती है। सो जैसे कि आपने देखा हमने कितने अच्छे तरीके से आपको गाइड करा और कैसे कैसे करके हमारा स्टेयरिंग को ऑपरेट करा जाता है ये भी हमने आपको बताया। और अब हम बात कर लें हमारे आर्म रेस्ट की। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा OEM वाला Gen 1 मारुति का आर्म रेस्ट है।
जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप की फिटमेंट के साथ आता है और इसके अंदर कुछ इस टाइप का स्पेस रहता है, थोड़ा बहुत आप फाइल और पर्स वगैरह रख सकते हो। और ये जो मैंने बताया आपको, ये कंसोल के अंदर जाके लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये OEM वाला है, तो ये जेन्युइन चीज़ तो भाई जेन्युइन ही होती है यार, आप सबको पता। सो जैसे कि आपने देखा कुछ इस टाइप की इसकी फिटमेंट रहती है और लुक भी बहुत काफ़ी बढ़िया आता है इसके अंदर। और ये सब एसेसरीज इंस्टॉल होने के बाद हमारी कार के अंदर का लुक देख सकते हो, कितना बेहतरीन लग रहा है। और अगर आपको भी आपकी किसी भी कार में किसी भी टाइप का काम करवाना है तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, और कॉन्टेक्ट करके आप हमको बता सकते हैं कि किस टाइप का और किस कार में आपको काम करवाना है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।